हिंदी साहित्य को पढ़ते हुए मैंने तीन मानसिकताएं चिन्हित की हैं। मानसिकता और भी ज़्यादा हो सकती हैं। मैंने ये पाया है कि जो शहर है वो वेस्टर्न बन रहे हैं, शहर वेस्टर्न बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में गांव है, उनके दिलो दिमाग में गांव जरूर बसता है और वो फिर गांव की तरफ लौटता है। और गांव है जो शुद्ध रूप से इंडियन है। जब मैं इंडियन की बात करूं तो सांस्कृतिक विविधता की भी बहुत सारी बातचीत हो चुकी थी, हुई है, उन सबका भी उसमें समावेश है। गाँव पूरी तरह से इंडियन है लेकिन उसके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं वेस्टर्न है, वो वेस्टर्न बनना चाहता है। क्यों? दूसरी बात कि जो शहर में है और जो गांव में है वो इंडो वेस्टर्न है, यानी फिर कहीं ना कहीं गांव भी वहां बार बार लौटता है। ये तीन तरह की मानसिकता है, ठीक है, और जो बार बार हमारी कहानियों में देखी जा सकती है। और भी ज्यादा मानसिकताएं हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये तीनों मानसिकताएं आखिरी इन तीनों मानसिकताओं से साहित्य रचा जा रहा है और आखिरी वह साहित्य हमारा किस तरह का समाज बना रहा है। बीच में ही बात आई थी और कमलेश्वर जी भी कहते थे, कमलेश्वर जी दूसरे लेखकों को डांटते भी थे कि तुम अच्छी कहानी नहीं लिखोगे तो मजबूरन मुझे वही सामान्य से कहानी छापनी पड़ेगी। तो बहुत बार सामान्य से ही कहानी छप रही है, क्या इतना ही अधिक है? या जो साहित्य का काम है, सुबह मैं बता रही थी कि हित का काम है, लेकिन साहित्य को मैं कुछ और रूप में देखता हूँ कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो और ये बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। तो साहित्य का मुझे लगता है कि इस रूप में भी कुछ काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पाठक हूँ। ये मेरा अपने आप से भी एक प्रश्न है और हमारे मेहमानों से भी या अतिथियों से भी एक प्रश्न है कि वो जरा बात रखेंगे तो इन सब चीज़ों को भी लेके रखेंगे कि आखिर साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कितना कुछ परिवर्तित भी कुछ हो पा रहा है या फिर पत्रिकाओं में छप रही हैं और बस पढ़ने तक ही सीमित हैं और वहीं से थोड़ी सी व्याख्या उसकी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं और साहित्य लगातार इन दिनों उनको चिन्हित कर रहा है। इस समय जो स्त्री दृष्टि है 20-25-22 भरपूर लिख रही है, बोल्ड टॉपिक या लेकिन रिलेशन पर भी लिख रही है, बड़े धमाकेदार लिख रही है। इस समय जितना स्त्री दृष्टि लिख रही है, इससे पहले मैंने इतनी लेखिकाओं को पहले कभी नहीं देखा था और पुरुष दृष्टि तो हाई है। तो मैं चाहता हूँ कि बातचीत इसी तरीके से मुखरता से भी सामने आए। मैं पहले वक्ता के तौर पर दैनिक जागरण के संपादक कुशल कोठियाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपनी बात रखें। धन्यवाद मंचासी नगरों को, मेरा प्रणाम, आयोजकों को बधाई। लगातार दूसरी बार आपने मुझे बुलाया और इस बार बुलाया तो मुझे लगा वास्तव में गांव जिंदा है। मुझे अभी तक कोई आमंत्रण नहीं मिला और मैं मंच पे हूँ। किसी ने मन से मुझसे फोन पे बात की और मैंने मन से मान लिया, शायद इसे ही गांव कहते हैं। बाकी सब लोग साहित्यकार हैं, मुझे छोड़ के मैं पत्रकार हूँ। और ना तो विषय विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मुझे बुलाया गया। आपने क्या सोच के बुलाया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं किस हिम्मत से यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किस हौसले से यहाँ पे खड़ा हूँ, वो हौसला मेरा 15 साल का वो जीवन काल है जो मैंने गांव में किया। वो 15 साल गांव के आज मेरे 38 साल शहरी जीवन पे राज करते हैं, आज भी उसका मेरे पूरे व्यक्तित्व पे अधिपत्य है। शायद गांव चीज ही ऐसी है, यहाँ हूँ, सेमिनार हो, सिंपोजियम हो, मैंने ये देखा है कि गांव पे बात जब हम करते हैं तो सांचों में डल के करते हैं। हम पे डिफरेंट माइंड सेट्स हैं और किसी एक में अपने को रख के हम बात करते हैं। वो सांचे गलत नहीं है, वो कोई भी बात गलत नहीं है,
लेकिन उसमें समग्रता नहीं है। लेकिन जब गांव पे बात करेंगे और गंवारपन में बात करेंगे तो उसमें समग्रता आएगी। जब गांव पे बात करें पहले तो ये बांट लीजिए, हम जिसे गांव कहते हैं क्या है? वो एक प्रशासनिक इकाई है। और जब हम बात प्रगति करते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं सड़क गई, बिजली गई, खड़ंजे लगे, पक्के मकान बन गए। हम कॉस्मेटिक चेंज की बात करते हैं, गांव के चरित्र की बात नहीं। उस चरित्र में जो परिवर्तन हो रहा है उस पे हमारा ध्यान कम जाता है। हम सांचों में डल के बात करते हैं, राजनीतिक दृष्टि से बात करते हैं तो गांव क्या है? गांव में पकड़ मजबूत कर लीजिए, गांव में संगठन मजबूत कर लीजिए, सत्ता आपके हाथ में। एक राजनीति के लिए गांव का महत्व इतना। विचारधारा पे बात कर लीजिए, एक विचारधारा के मुताबिक गांव सामंतवाद को जन्म देता है। गांव में रूढ़ियां जन्म लेती हैं और वहां उनका संस्थाकरण हो जाता है। सफल क्रांति के लिए गांव से शुरुआत होनी चाहिए। विचारधारा, एक विचारधारा के मुताबिक गांव संस्कारों और संस्कृति का केंद्र है। यहां मूल्य सीखते हैं, यह भी एक विचारधारा। प्रशासनिक दृष्टि से सोचें तो गांव क्या है? गांव एक प्रशासनिक इकाई है जहां से हमें विकास का काम करना है, जहां सबसे ज्यादा विकास की जरूरत है। और तीसरी सबसे खतरनाक प्रवृत्ति यह है कि जब हम लोग गांव से शहर की ओर आते हैं, जब कोई भी व्यक्ति गांव से शहर की ओर आता है, मैं भी खुद गांव में रहा और फिर शहर में आया, तो हमारी कोशिश यह होती है कि अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में, अपने साथ फिजिकली भी, भौतिक रूप से भी कोई ऐसी चीज ना लाएं जो शहर में इंगित करे कि साहब ये व्यक्ति तो ग्रामीण है। बीस साल पहले मैंने खुद देखा, मैं किसी रिश्तेदार के घर गया, बहुत क्लोज रिश्तेदार थे, मतलब हाइट देखी है, तो चाय पानी पिला के उन्होंने मुझे रात को भेज दिया, खाना नहीं खिलाया। बाहर गेट पे आके उन्होंने मुझे बताया कि आज हमने कोदे की रोटी बनाई थी इसलिए आपको खाने के लिए नहीं कहा। सर महसूस होती है कोदा झमगुरा से होती थी। आज कोदा झमगुरा बाजार ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके औषधीय गुणों की बात आ गई है, तो अब शायद शर्म नहीं होती, लेकिन 20 साल पहले स्थिति थी कि हम अपना खान पान भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, कहीं कोई हमें गांव वाला ना कहे, ग्रामीण ना कहे। भाषा और संस्कृति तमाम चीजें उसमें जुड़ी हैं। ये तीनों खतरनाक प्रवृत्ति है। पिछले साल आपने सबने देखा होगा, ये मीडिया में तो खूब छपा, प्रमुखता से छपा, कई बार छपा, कईयों ने उस पर आर्टिकल लिख दिए, एडिट छपा, एक व्यक्ति करने में शब्द हो रहा है, फिर उसके बाद लगातार ये ट्रेंड बन गया, कोई रिक्शे में शब्द हो रहा है तो उसकी फोटो भी। ये नौबत क्यों आई? सब कंधे में ढोने की नौबत क्यों आई? गांव में कभी होता है क्या ऐसा? जब हम गांव से शहर की ओर चले, एक मुट्ठी का थोड़ा गांव ले आते, तो कंधे में सब ढोने की नौबत नहीं। ये तो सामुदायिकता है, ये अस्पताल का काम नहीं होता अंतिम संस्कार करना, ये सरकारों का काम नहीं होता है, निगम का काम नहीं होता है, निकायों का काम नहीं होता है, ये हम सबका काम होता है। लेकिन सवाल यह है कि कहीं जहन में गांव तो हो। वो गांव की कमी है, हम सबकी जड़ें गांव में हैं। कोई खुद आज गांव से आया है, कोई
उसके पापा आए होंगे, उसके उसके दादा आए होंगे, परदादा आए होंगे, कभी ना कभी गांव से आए। और हमें फक्र होता है कि जब हम अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं, हम बताते हैं अरे गांव से कोई लेना नहीं, हम तो सही हैं। और दरअसल वो गांव जो मैंने देखा, जहां मैंने जन्म लिया, मैं अपने गांव का खुद अपना अनुभव बता रहा हूं कि उस गांव में खाली हम में ही एक हिस्सा मंदिर का, एक हिस्सा दलित भाइयों का और एक हिस्सा ब्राह्मण जो खेती हरी ही होते थे उनका जाता था। कौन सी शादी ऐसी होती थी जिसमें किसी आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए काम ना होता हो? किसी गरीब के घर भी बारात आई है तो उसके मेहमान मेरे मेहमान, मेरे घर में दो कमरे खाली है तो रहेंगे, कोई कैटरर नहीं होता था। बच्चे से लेकर बूढ़ो तक का काम होता था, सब काम स्वामित्व से होता था। वो गांव ना, हम खुद बच्चे थे तो सड़क में खड़ा रहा करते थे कि कोई आएगा जिसको गांव जाना है, किसी का भी मेहमान हो ये पता नहीं, लेकिन सामान उसका हमने उठाना है, बड़ी खुशी से उठाते थे। वो गांव मुझे खुद कई बार रास्ता छोड़ना पड़ता था, कुछ महिलाएं जो बाल बच्चेदार थी वो मुझे प्रणाम किया करती थी, पांव छुआ करती थी, कई उम्रदराज लोग मुझे चाचा कहा करते तो मुझे बड़ा शर्म महसूस होता, प्रणाम करते थे। तो मैं घर में ये अपनी समस्या बताई कि मुझे उनकी वजह से रास्ता छोड़ना पड़ता है। तो मुझसे कहा गया, मुझे समझाया गया कि ना तो बड़ो कि पातो बड़ो। एक पाता होता है, बर्तन होता है जिसमें सामान तोल करके दिया जाता है, किलो नहीं होता था, पाता होता है, दाने अंगिरा तोल के उसमें दिया। तो पाता रिप्रेजेंट करता है बाजार को और नाता रिप्रेजेंट कर रहा है भावनाओं को, रिश्तों को। तो वो गांव जहां बाजार के रिश्ते हावी हैं, हम उस बाजार को कहीं ना कहीं खो रहे हैं, उस रिश्तों को कहीं खो रहे हैं, केवल इसलिए कि गांव से दूर हो रहे हैं। जो प्रवृत्ति हम गांव से शहर में आते समय सब कुछ छोड़ के आते हैं, उसका रिवर्स देखिए, जब शहर छोड़ के गांव में कभी जाना होता है तो हर ऐसी चीज अपने साथ ले जाते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, जो हमें गांव में इंगित करे कि यह शहरी है। लेकिन जब शहर आते हैं तो हर निशानी छोड़ देते हैं, ग्रामीण होने की हर निशानी छोड़ देते हैं। ये प्रवृत्तियां खतरनाक है। और गांव आज भले विकसित हो रहा हो, जो मैं बात कर रहा हूं कि कॉस्मेटिकली चेंज हो रहा है, लेकिन अब वो गांव तो नहीं रहे ना जो 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले थे। मैंने भी गौर पंच की वजह से देहरादून में अभी तक घर नहीं बनाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं गांव जाऊंगा तो मुझे मेरा गांव नहीं मिलेगा। मुझे मेरा गांव नहीं मिलेगा। उस गांव के बारे में जब मैं अपने बच्चों के साथ बातें शेयर करता हूं, गांव के किस्से सुनाता हूं, तो मेरे बच्चे ऐसे सुनते हैं जैसे हम किसी मंगल ग्रह की कोई बस्ती की बात कर रहे हैं कि वहां ऐसा होता था, वहां ऐसा होता था। मेरे गांव में कभी ताला नहीं लगता था। गांव में औरतें काम करने जाती थी, पुरुष कहीं कस्बे की ओर निकल जाते थे लेकिन कुंडी लगा के छोड़ जाते, कभी ताला दिन में नहीं लगता था। ताले का मतलब बड़ी गाली, लेकिन अब तो वो नहीं है। गांव का चरित्र जो बदला है वो सुखद है या दुखद, इस पर भी सोचने की जरूरत। विकास हो ये किसने मना किया? विकास तो हर कोई चाहता था, लेकिन गांव गांव बना रहता, गांव का चरित्र न बदलता, गांव का वो स्वरूप न बदलता था जो मैंने दिया, जो आपने किया, तो कितना अच्छा हो। अब दर्द मेरा एक पाठक होने के नाते ये है कि मुझे मेरा गांव मेरे गांव में नहीं मिलेगा, मुझे मेरा गांव मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। बच्चा सोचता है पता नहीं क्या की बात कर रहा है। तो साहित्यकारों के बीच हूं, साहित्यिक बिरादरी के बीच हूं, तो मैं ये अपेक्षा ये करता हूं कि कहीं वो गांव किसी कविता में, किसी कहानी में जगह पा जाए, तो मेरे जैसे लोगों के लिए
बड़ा खुशी का विषय होगा। हम लोग बेहद खुश, धन्यवाद।